दोस्तों अक्सर आप लोगों ने पुरानी फिल्मों या फिर फोटोज में जज को सफ़ेद बालों वाली इस खास तरह की टोपी को पहने हुए जरूर देखा होगा, पर आखिर वे इस टोपी को क्यों पहनते थे और आखिर आज के टाइम में इन टोपीज को क्यों नहीं पहना जाता है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजबल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, सो प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखना। वैसे दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पर जिस टोपी की बात हो रही है उसे पेरू कहा जाता है, जिसे पहनने के पीछे मेनली टू रीज़न थे। अगर पहले रीज़न की बात करें तो पहले के टाइम में जज और वकीलों के कपड़े लगभग एक जैसे ही हुआ करते थे, तो जज को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए इस खास तरह की टोपी का प्रयोग किया जाता था, जिससे जज को पहचानने में आसानी हो सके। अगर दूसरे रीज़न की बात करें तो पहले के टाइम में जो राजा हुआ करते थे वही जज भी हुआ करते थे। तो इंग्लैंड के जो राजा प्रिंस चार्ल्स सेकंड थे, उनको एक खास तरह की बीमारी हो गई थी जिसकी वजह से उनके सर के सारे बाल झड़ गए थे, जिसके लिए उन्होंने अपने लिए एक खास तरह की बालों वाली टोपी बनवाई जो कि दूसरी किसी विग से काफी ज्यादा अलग थी, और जजमेंट के टाइम पर राजा इसी टोपी का प्रयोग करते थे। बस तभी से इसे जज की ड्रेस का एक हिस्सा माना जाने लगा है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और भी नॉलेजेबल वीडियोस को देखने के लिए।